बोला ना हूँ मेरा मंत्रालय फरमाते हैं, बोला ना हूँ मेरा मंत्रालय फरमाते हैं, एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में घर से आया। अंधेरे की वजह से उसकी ठोकर लगी और वो के बल कीचड़ में गिर गए। कीचड़ से उठकर वो घर वापस गया और नमाज कबूल करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गए। कीचड़ से उठकर वो शख्स एक बार फिर घर वापस गया और नमाज कबूल करके मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकल आया। अपने घर के दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में एक रोशन चराग थामे हुए था। चराग वाला शख्स चुपचाप नमाज के आगे आके मस्जिद की तरफ चल दिया। उस बार चराग की रोशनी ने नमाजी को मस्जिद तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा और वो खैरियत मस्जिद तक पहुंच गया। के दरवाजे पर पहुंचकर चराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे वही छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद से बाहर आया तो उसी ने देखा चराग वाला शख्स उसका मुंतजर है ताकि उसे दोबारा चराग की रोशनी तक छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने उस अजनबी से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं तुम्हें नमाजी हैरत की इंतहा न रही। उसी ने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुशी होनी चाहिए थी, फिर तू चराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक क्यों लाया? इब्लीस ने जवाब दिया, जब तुझे पहली बार ठोकर लगी तो अल्लाह ने तेरी उम्र भर की गुनाह माफ करवा दिए, जब तुझे दूसरी ठोकर लगी तेरे सारे खानदान को बख्श दिया। मुझे फिक्र हुई कि अब अगर तू ठोकर खाकर गिर गया तो कहीं अल्लाह तेरे सारे काम की मफ़रत न फरमा दे, इसीलिए शराब लेकर आया हूँ कि तू बगैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाए।